तान्या और काजल थी तो सगी बहनें, लेकिन वो दोनों हरदम एक दूसरे से लड़ाई किया करती थीं। जरा जरा सी बात में लड़ना झगड़ना उन दोनों बहनों की आदत थी। उन दोनों के लड़ाई झगड़े से उनकी माँ सुजाता बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह वो दोनों आपस में लड़ने लगी। काजल की बच्ची, तूने मेरी लिपस्टिक को हाथ कैसे लगाया? मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। वैसे भी कौन सी तेरी लिपस्टिक है जो इतना धोस जमा रही है? तू तो पड़ोस की रानी के घर से चुरा कर लाई है, चोरनी कहीं की। तूने मुझे चोरनी कहा? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तू बहुत दिनों से मेरे हाथों से पिटी नहीं है, चुड़ैल कहीं की। तो मैं तुझे कौन सा छोड़ दूंगी? डायन, आ मुझे हाथ तो लगा कर दिखा। ऐसा कहकर दोनों बहनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। शोर शराबा सुनकर भागी भागी उनकी माँ सुजाता कमरे से बाहर आई और बोली, अरे अरे क्या हो गया? छोड़ो एक दूसरे को। क्या मार डालोगी एक दूसरे को? हटो, मैं कहती हूँ दूर हटो, छोड़ो एक दूसरे को। माँ, इसने मेरी लिपस्टिक चुराई है, यही लड़ाई की असली जड़ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओ चोरनी कहीं की, तू भी तो ये लिपस्टिक चुरा कर लाई है? मैंने तुझसे चुरा ली, आई बड़ी हाँ मुझ पर इल्जाम लगाने वाली। ये कहते हुए दोनों आपस में फिर से लड़ने लगी। ये देख उनकी माँ सुजाता बोली, हे भगवान, ये दोनों कैसी लड़कियाँ हैं? इन दोनों को देखकर कौन कहेगा ये सगी बहने हैं? मैं कहती हूँ छोड़ो एक दूसरे को और जाकर अपना अपना काम करो। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम दोनों की लड़ाई झगड़े से। घर कितना गंदा पड़ा हुआ है तान्या, तुम घर की सफाई करो और काजल तुम जाकर रसोई संभालो। सुजाता अपनी दोनों बेटियों को घर के अलग अलग काम सौंप देती है ताकि वो उन्हें लड़ने से रोक सके। हे भगवान, ना जाने ये लड़कियाँ कब सुधरेंगी। मैं इन्हें अकेले पाल रही हूँ, फिर भी इन दोनों को अकल नहीं आती। हर वक्त एक दूसरे के खून की प्यासी रहती हैं। बस अगर कल को मुझे कुछ हो गया फिर ये दोनों आपस में कैसे रहेंगी। अच्छा, अब मुझे काम पर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। ऐसा कहकर सुजाता काम पर जाने के लिए घर से निकली। सुजाता जल्दी जल्दी काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में तेज रफ्तार आ रही गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब ये खबर दोनों बहनों को पता चली, वो दौड़ी दौड़ी अपनी मरी हुई माँ की लाश के पास आकर रोने लगी। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी माँ। तभी काजल तान्या को धक्का देकर दूर करते हुए बोली, दूर हट डायन, मेरी माँ को खा गई और अब नाटक कर रही है। मेरी बेचारी माँ, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे धक्का कैसे दिया? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहते हुए दोनों बहनें एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगी। कई लोग वहाँ खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनके बीच में नहीं आया। आखिर में दोनों खुद ही थक कर बैठ गयी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया, लेकिन दोनों बहनें आए दिन किसी न किसी बात पे झगड़ती रहती थीं। उनकी स्वर्गवासी माँ सुजाता की आत्मा ये सब देख रही थी। देखो तो जरा इन लड़कियों को, मेरे मरने के बाद भी इन्हें चैन नहीं आया, अब भी कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। हे भगवान, अब तो मैं इन्हें रोक भी नहीं सकती। भगवान, इतनी जल्दी आपने मुझे अपने पास क्यों बुला लिया? क्या करूं अब मैं, कैसे इन दोनों को समझाऊं? भगवान, अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। सुजाता की आत्मा ये कह ही रही थी कि तभी वहाँ तान्या और काजल की अंगूरी चाची उनसे मिलने आई। वो उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और जब उसे पता चला कि सुजाता अब इस दुनिया में नहीं रही, वो इस बात से बहुत खुश थी। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, अब तुम बिना माँ के कैसे जियोगी? आओ मेरे गले लग जाओ। ये कहते हुए अंगूरी चाची तान्या और काजल को गले लगाते हुए जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। सुजाता की आत्मा को ये सब देख बहुत गुस्सा आया। देखो तो नौटंकी अंगूरी को कितना नाटक कर रही है, जब मैं जिंदा थी तो एक बार भी आई नहीं मेरा हाल पूछने, अब देखो कैसे रो रो कर गाना गा रही है। इसे तो किसी नाटक कंपनी में काम कर लेना चाहिए, आ गई है मेरी बेटियों के जले पर नमक छिड़कने। तभी सुजाता को एक आइडिया आया और वो बोली, अरे वाह, अब मैं इसका सहारा लेकर अपनी दोनों बेटियों के बीच की दूरियां मिटा सकती हूँ। इतना कहकर सुजाता की आत्मा अंगूरी के शरीर में घुस गई। अब मैं इसके शरीर का इस्तेमाल करके अपनी दोनों बेटियों को सही रास्ते पर लाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह अंगूरी ने ठंडे पानी की बाल्टी सो रही तान्या के ऊपर उड़ेल दिया। तभी गहरी नींद में सो रही तान्या एकदम से उठी और बोली, अरे ये क्या चाची, आपने मेरे ऊपर इतना ठंडा पानी क्यों डाला? मेरी इतनी अच्छी नींद खराब कर दी।
हाँ तो क्या करूँ, तेरी आरती उतारूँ? इतनी सुबह हो गई है और तू अभी तक आराम फरमा रही है? चल उठकर झाड़ू पोछा कर। क्या, लेकिन अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं, मैं अभी और सोना चाहती हूँ। अरे ऐसे कैसे सोएगी, घर का इतना सारा काम पड़ा है, उठ जल्दी, जो कहा है वो काम कर, वरना मार मार कर भर्ता बना दूंगी, समझ गई? तान्या रोते रोते अपने बिस्तर से उठी और घर की सफाई करने लगी। ये सब देख काजल खुश होते हुए बोली, अच्छा हो रहा है इस चुड़ैल के साथ, इसके साथ ऐसा ही सुलूक करना चाहिए, काश माँ ने इसके साथ ऐसा किया होता तो अब तक सुधर गई होती। चलो अच्छा है, चाची इसकी अकल ठिकाने लगा देगी। ये कहते हुए काजल बहुत खुश हो रही थी, लेकिन काजल को क्या पता था कि ये सब उसकी स्वर्गवासी माँ सुजाता की आत्मा करवा रही है, जो इस वक्त अंगूरी चाची के शरीर में थी, जो तान्या से घर के सारे काम करवा रही थी। चाची मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है, अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही है, अभी तुझे नाश्ता भी तो बनाना है, जा जाकर मेरे लिए और काजल बिटिया के लिए नाश्ता बना। पर चाची मैं बहुत थक गई हूँ। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है जो इतनी जल्दी थक गई, जा रसोई में वरना गरम चिमटे से तेरे हाथ जला दूंगी। ना चाहते हुए भी तान्या को रसोई में जाना पड़ा। वो चाची का ऐसा रूप देखकर डर सी गई थी। इतने में नहा धोकर काजल आई, तभी अंगूरी बोली, अरे मेरी बिटिया उठ गई, आ बैठ मेरे पास आ, अभी नौकरानी तान्या हमारे लिए नाश्ता लाएगी। चाची की बात सुनकर काजल मन ही मन बहुत खुश होती है। उधर बेचारी तान्या रोते रोते उनके लिए नाश्ता बना कर लाती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। शुरू शुरू में काजल को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन बाद में उसे तान्या के लिए बुरा लगने लगा। ऐसे ही एक दिन तान्या खाना बनाकर लाई और अपनी चाची को परोसती है। खाने का एक निवाला खाते ही अंगूरी गुस्से से बोली, थू थू कितना बकवास खाना बनाया है, ये भी कोई खाना है? ये खाना तो कोई जानवर भी ना खाए। ये कहते हुए अंगूरी ने खाने की प्लेट तान्या के ऊपर फेंक दी। ये देख पास बैठी काजल को बहुत बुरा लगा और वो बोली, चाची आप ऐसे क्यों बोल रही हो, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तान्या ने। काजल की ये बात सुन अंगूरी के अंदर घुसी सुजाता की आत्मा खुश हो गई कि आखिरकार काजल को तान्या की फिक्र तो हुई। ओह तो अब तू मुझे सिखाएगी कि किससे कैसे बात करनी चाहिए, रुक तुझे भी अभी ठीक करती हूँ। इतना कहकर अंगूरी ने पास रखा मोटा डंडा उठाया और काजल को मारने लगी। ये देख तान्या बहुत खुश होती है, क्योंकि चाची अभी तक सिर्फ उसे ही परेशान कर रही थी। काजल को पिटता देख तान्या को मजा आ रहा था। अब अंगूरी तान्या को छोड़ काजल को परेशान करने लगी। ये देख काजल को बड़ी हैरानी हुई, ये अचानक चाची को क्या हो गया, कल तक तो तान्या को पीट रही थी, अब मेरे पीछे पड़ गई। कुछ भी हो इस चाची को घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। ऐसा सोच कर काजल तान्या के कमरे में गई और बोली, वैसे मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन क्या करूँ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। चाची हमारे घर पर रहकर हम ही पर हुक्म चला रही है, मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलकर इन्हें यहाँ से भगा दें। मैं भी तुझसे ही बात करना चाहती थी, मुझे भी चाची ने बहुत परेशान किया है। सुजाता की आत्मा वहीं खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। फिर वो उन दोनों के सामने आई और बोली, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें एक साथ देख मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ देखा तुमने, चाची हम पर कितना अत्याचार कर रही है। हाँ मैंने सब देखा, तुम दोनों समझ लो कि चाची तुम्हें मिलाने के लिए आई थी। आखिरकार आज तुमने अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से बहनों की तरह बात की है। मेरी आत्मा को इसलिए मुक्ति नहीं मिल पाई थी क्योंकि तुम दोनों को इस तरह लड़ता छोड़कर मैं दूसरी दुनिया में नहीं जा पाई। माँ अब हमने सबक सीख लिया है, अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। हाँ माँ वादा करते हैं अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। यही तो मैं सुनना चाहती थी मेरी प्यारी बच्चियों। पर माँ हम चाची को घर से बाहर कैसे निकालें? उस नौटंकी की चिंता तुम मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर सुजाता की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर अंगूरी आईने के सामने बैठकर मेकअप करते हुए गाना गा रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए, ला 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 ला। तभी अचानक कमरे में रखी चीजें हवा में उड़ने लगी। ये देख अंगूरी के होश उड़ गए। हाय मोरी मैया, ये क्या हो रहा है, मेरा मेकअप का सामान कुर्सी टेबल सब हवा में। तभी अंगूरी के कानों में एक आवाज आई। कहो तो तुम्हें भी हवा में लटका दूं।
लगता है इस घर में किसी चुड़ैल का साया है। बाप रे, भागो यहाँ से। मैं तो चली अपने सजनवा के पास। तभी सुजाता की आत्मा ने अंगूरी को कुछ देर हवा में लटकाए रखा, उसके बाद नीचे पटक दिया। फिर अंगूरी अपनी कमर पकड़ते हुए उल्टे पाँव वहाँ से भाग खड़ी हुई। अपनी चाची को इस तरह भागता देख काजल और तान्या बहुत खुश होती है। उसके बाद सुजाता की आत्मा अपनी दोनों बेटियों से बोली, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों अब ऐसे ही प्यार से रहना। तुम्हें ऐसे खुश देख मेरी आत्मा को शांति मिल गई। अब मेरा वापस जाने का समय आ गया है। अब मुझे जाना होगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए सुजाता की आत्मा गायब हो गई। फिर उस दिन के बाद से कभी काजल और तान्या ने आपस में झगड़ा नहीं किया और बहुत प्यार से रहने लगी। ये कहानी एक रमेश नाम के आदमी की है, जो कि रायपुर नामक गांव में अपनी बेटी वर्षा के साथ रहता था। रमेश अपनी बेटी वर्षा से बहुत प्यार करता था। वर्षा की माँ सुमित्रा का देहांत वर्षा को जन्म देते समय ही हो गया था, जिस वजह से बचपन से ही वर्षा को रमेश ने अकेले पाला था। रमेश ने वर्षा को कभी भी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया था। रमेश वर्षा की हर एक ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करता था। रमेश ने वर्षा का दाखिला शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवाया था, जिसकी फीस भरने के लिए रमेश दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करता था। मेहनत मजदूरी करके उसे जो भी पैसे मिलते, उससे वो वर्षा के कॉलेज की फीस भर देता था। कॉलेज शहर में होने की वजह से वर्षा शहर में ही रहती थी। एक दिन संडे की छुट्टी पर वर्षा अपने घर आई। रमेश वर्षा को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ देर बातें करने के बाद और कुछ खाना खाने के बाद वर्षा रमेश से कहती है, पिताजी, अगले महीने से मेरे एग्जाम है, तो मैं हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करूंगी। अब मैं एग्जाम के बाद ही घर आऊंगी। आप अपना ध्यान रखना। और पिताजी, मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं, तो कुछ पैसे कपड़ों के लिए भेज देना। चिंता मत करो मेरी बेटी, मैं भिजवा दूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, अपना ख्याल रखना। वर्षा के जाने के बाद रमेश अपने मजदूरी के काम में लग जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक महीने से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन वर्षा इस बार अपने पिताजी से मिलने घर नहीं आई। रमेश को वर्षा की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने शहर के कॉलेज में चला जाता है। वर्षा अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी बातें कर रही थी, तभी वो अपने पिता को अपने पास आते देखती है, तो वो उठकर उनके पास जाकर कहती है, पिताजी, आप यहाँ क्यों आ गए? जल्दी से बाहर चलिए, मैं आपसे यहाँ सबके सामने बात नहीं कर सकती हूँ। पर क्यों बेटा, क्या हुआ? मैं भी तो देखूं कि तुम कहाँ रहती हो और कहाँ पढ़ती हो और तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। पिताजी, क्यों आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? आप देख रहे हो ना, यहाँ सब लोग अच्छे घर से हैं, सबके माता पिता अच्छे बिजनेस करते हैं। अगर आप फटे पुराने कपड़ों में मेरे दोस्तों से मिलने गए तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। देखो, आप बुरा मत मानो, आप घर चले जाओ, मैं छुट्टी पड़ने पर आपसे मिलने घर आऊंगी। आप जाइए पिताजी। वर्षा की बातें सुनकर रमेश उदास होकर घर चला जाता है। उधर वर्षा की सहेली जिया वर्षा से पूछती है, वर्षा, ये आदमी कौन था और तुम उसे क्या बात कर रही थी? वो तो दिखने में काफी गरीब लग रहा था। तुम्हारे पिताजी थे क्या वो? अरे वो कोई नहीं था, वो आदमी रास्ता भूल गया था और गलती से इधर आ गया बेचारा, तो मैं उसे रास्ता बता रही थी। मुझे तो बहुत परेशान लग रहा था वो आदमी, लगता है उनके बच्चे नहीं हैं, तभी तो बेचारा अकेले इधर उधर भटक रहा था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे पिताजी अमेरिका से बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। बाय। बाय जिया। इधर रमेश घर आकर अपनी पत्नी के तस्वीर के सामने बहुत रोता है और कहता है, देख रही हो अपनी लाडली को? अब उसे मुझे सबके सामने पिता कहने में भी शर्म आ रही है। अगर तुम जिंदा होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगले दिन कॉलेज में जिया वर्षा और सारी सहेलियों से कहती है, वर्षा, मेरी शादी तय हो गई है, तुम सबको मेरे सारे फंक्शन में आना है। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी जो है। ठीक है, कल हल्दी है, परसों मेहंदी और फिर शादी। और हाँ, मेरी सारी सहेलियों को मेरे तीनों फंक्शन में तीन अलग अलग लहंगे पहन कर आना है, हल्दी पर पीला, मेहंदी पर हरा और शादी में गुलाबी। मंजूर है ना सबको?
सभी सहेलियां हाँ में सर हिलाती हैं, लेकिन ये सब सुनने के बाद वर्षा लहंगा को लेकर सोच में पड़ जाती है। घर आने के बाद वर्षा परेशान होकर घर में इधर से उधर चल रही थी। उसे परेशान देखकर उसके पिता बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं काफी देर से देख रहा हूँ, जब से आई हो परेशान हो, क्या बात है? पिताजी, मेरी सहेली जिया की शादी है और शादी के फंक्शन में 3 अलग अलग रंग के लहंगे पहनकर जाना है, लेकिन 3 तो क्या, मेरे पास एक भी लहंगा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे वहाँ जाऊँ, मेरे पिताजी तो मुझे एक लहंगा भी नहीं दिला सकते, मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। वर्षा रोने लगती है। रमेश अपनी बेटी से इस तरह की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो वर्षा से कहता है, नहीं मेरी बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगा लेकर आऊँगा, बस मुझे एक दिन का समय दो। ठीक है पिताजी, मैं आपको एक दिन का समय देती हूँ, पर मुझे कल ही लहंगे चाहिए, क्योंकि जिया की शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। रमेश बहुत ही दुविधा में पड़ जाता है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वर्षा के लिए लहंगे खरीद सके। वो अपनी पत्नी के फोटो के आगे बैठकर बोलता है, क्या करूं अब, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए 3 अलग अलग रंग के लहंगे खरीद सकूं। मैं कैसे वर्षा की जिद को पूरा करूं? अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। इतना बोलकर रमेश सोचते सोचते सो जाता है। तभी उसके सपने में उसकी पत्नी आकर बोलती है, वर्षा के पिताजी, काली पहाड़ी के पीछे एक जादुई झरना है, आप उस झरने के पास जाकर वहाँ से लहंगा लाकर वर्षा को दे देना। तभी रमेश की आंखें खुल जाती है। वो काली पहाड़ी की तरफ चल देता है। उसे वहाँ एक झरना नजर आता है। अचानक उस झरने के पास 3 लहंगे रखे मिलते हैं। वो 3 लहंगे गुलाबी रंग के थे। रमेश घर जाता है और वर्षा से कहता है, वर्षा बेटी, तुम कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगा लेकर आया हूँ। ये सुनकर वर्षा बाहर आती है और देखती है कि 3 लहंगे गुलाबी रंग के हैं। लहंगे को देखकर वर्षा बोलती है, क्या पिताजी, आप एक ही रंग के लहंगे लेकर आ गए हो? मैंने आपको बोला था ना कि मुझे पीला, हरा और गुलाबी रंग का लहंगा चाहिए, मैं एक ही रंग का लहंगा लेकर क्या करूँगी? तभी एक चमत्कार होता है और दूसरा लहंगा पीला और तीसरा हरा रंग में बदल जाता है। ये देखकर रमेश और वर्षा दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखकर वर्षा बोलती है, वाह पिताजी, ये लहंगा तो जादुई है, आप ये लहंगा कहाँ से लेकर आए हैं? बेटी, ये लहंगे तुम्हारी मम्मी ने जादुई झरने द्वारा तुम्हारे लिए भिजवाया है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि ये जादुई लहंगे हैं। बेटा, अब जाओ, तुम लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ। उसके बाद वर्षा पीले रंग का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है और तैयार होकर अपनी सहेली जिया की हल्दी की रस्म में चली जाती है। लहंगा पहनकर वर्षा बहुत सुंदर लग रही थी। सबकी नज़र वर्षा की तरफ ही थी। ये सब देखकर वर्षा को बहुत खुशी हो रही थी। दूसरे दिन मेहंदी की रस्म में वर्षा हरे रंग का लहंगा पहनकर फंक्शन में जाती है और बेहद खूबसूरत लगती है। वर्षा को देखकर उसकी सहेलियां कहती हैं, ये देखो वर्षा आ गई। वर्षा, तुम इस लहंगे में एकदम अलग ही लग रही हो। हल्दी के फंक्शन में भी सब तुम्हें ही देख रहे थे और आज भी सब दुल्हन को छोड़कर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम। वैसे तुमने ये लहंगा कहाँ से लिया है? ये लहंगा मेरे पिताजी लेकर आए थे। तभी उसकी सहेली जिया आती है और वर्षा से कहती है, वर्षा, तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो तुम्हें इतने अच्छे पिता मिले हैं, जो तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरे पिताजी को अपनी बेटी की शादी में आने के लिए समय ही नहीं है। आज भी उन्हें काम से फुर्सत नहीं है कि वो मेरी शादी में आ सके। उन्होंने मुझे हर चीज दी, जो मांगा सब दिया, लेकिन मुझे उन्होंने कभी भी अपना प्यार और समय नहीं दिया। उनकी कमी हमेशा मेरी जिंदगी में रही है, लेकिन तुम बहुत खुशनसीब हो वर्षा। जिया की ये बात सुनकर वर्षा को अपने पिता के प्यार का एहसास होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद वो अपने घर जाकर अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपके मजदूर और गरीब होने की वजह से मैंने हमेशा खुद को छोटा माना, लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ।
क्योंकि मेरे पास पिता की दौलत है। मम्मी के गुजर जाने के बाद आपने कभी भी मुझे मम्मी की कमी का एहसास नहीं होने दिया। आपने मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए और बदले में मैंने आपका अपमान किया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। पिताजी, आप कल मेरे साथ जिया की शादी में चलोगे? नहीं बेटा, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को। तुम इतनी सुंदर लगोगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। तुम वहाँ अकेले ही चली जाना। ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप मेरे पिता हैं, आप मुझे हर रूप में स्वीकार हो। आपको कल मेरे साथ शादी में चलना है और हाँ, मैं आपको अपने सारे दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। अगले दिन जिया की शादी में जाने के लिए वर्षा गुलाबी रंग का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है और उसके पिताजी भी साफ सुथरा कपड़ा पहनकर तैयार हो जाते हैं। पिता को देखकर वर्षा बोलती है, पिताजी मुझे गर्व है कि आप मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे इन कपड़ों में भी दुनिया के सबसे अच्छे पिता लग रहे हैं। वर्षा के इतना कहते ही उसके पिता एक जेंटलमैन के रूप में बदल जाते हैं। ये देखकर रमेश बहुत हैरान होता है और अपनी बेटी से कहता है, वर्षा मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं पिताजी, आप कोई सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है। आप भूल गए कि ये लहंगा सुंदर होने के साथ जादुई भी है। उसके बाद वर्षा अपने पिताजी के साथ अपनी सहेली जिया की शादी में जाती है और सबसे अपने पिता को मिलवाती है। दोस्तों, आज मैं सबको अपने पिताजी से मिलवाती हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने ही मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। और हाँ, मेरे पिताजी ने ये सब मजदूरी करके किया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई अंकल, काश मेरे पिताजी भी आपकी तरह होते। उनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। दिल छोटा नहीं करते जिया बेटा, मेरे लिए जैसे मेरी बेटी वर्षा है वैसे ही आप सभी हो। शादी में तुम्हारे पिताजी नहीं आए तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। और इस तरह सभी खुशी खुशी जिया की शादी इंजॉय करते हैं। उस दिन के बाद से वर्षा अपने पिता रमेश से बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। जादुई लहंगों की वजह से उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।